नमस्कार दोस्तों, जय सेवा जय भीम। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल नॉलेज आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में। आज हम कुछ यूनिक सीखने वाले हैं दोस्तों कि कैसे DSLs, कॉलम्स, रो को शॉर्ट कोड के माध्यम से भी डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्सेल सीट लेना है, एक्सेल ओपन करके एक्सेल सीट पर जाना है। आपको गिनती लिख लेनी है 10 तक, और चाहे पूरा एक टेबल लिखना, मैंने पहले भी बताया है। और टेबल कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 का लिखना है 2, 2×2 = 4, तो 2 चीज़ें लिख लीजिए। उसके बाद आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है यहाँ तक नीचे तक, तो 2 का टेबल हो गया। और यहीं से अगर 3, 4 का लिखना है तो आपको एक एक और लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप राइट की तरफ जो है ड्रैग कर देंगे यहाँ 10 तक, तो ये टेबल जो है 2 का ही आ गया दोस्तों। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ से जो है दोस्तों हम क्या करते हैं, टेबल को ड्रैग करते हैं। और 3 का भी लिखना है तो ऐसे ही है, 3×2 = 6 होगा, और 4×2 = 8 होता है, 5×2 = 10, 2 डिजिट हमें लिखनी पड़ेगी, 6×2 = 12, 7×2 = 14, 8×2 = 16, 9×2 = 18 और 10×2 = 20। इस तरीके से लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है और जो यहाँ पर प्लस साइन बना हुआ आएगा इसको ड्रैग कर देना है और नीचे यहाँ तक इस प्रकार से टेबल आप जो है लिख पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक हमने टेबल लिख लिया। अब चलते हैं, कुछ शॉर्टकट की जानते हैं और उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि वो शॉर्टकट की क्या होते हैं और उसके बाद हम थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं और डिले उसे यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको एक्सेल के कुछ यहाँ पर जैसे लिखा है टॉपिक के हिसाब से, कि यहाँ पर टॉपिक आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि डिलीट रिलेटेड एक्सेल शॉर्टकट कीज, यानी कि एक्सेल के अंदर डिलीट से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज है, उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊँगा मैं। पहला है Alt+H,D, कहने का मतलब, और ये क्या काम करेगा, टू गो टू द डिलीट सेल मेन्यू पर ले जाएगा हमें। और इसका यूज़ कैसे करते हैं अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आपको, पहले मैं बता देता हूं एक बार। Alt+H,D,D, यानी कि टू डिलीट सेलेक्ट सेल, यानी जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया उसको डिलीट करने के लिए ये शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तीसरा आता है हमारा दोस्तों कि Alt+H,D,R, यानी कि इसका यूज़ किया जाता है टू डिलीट रो, पूरा रो को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। पूरे कॉलम को डिलीट करना है तो Alt+H,D,C, C का मतलब कॉलम, यानी कि पूरे कॉलम को डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, C। अगला जो है शॉर्टकट की है कि Alt+H,D,S, इसका यूज़ किया जाता है टू डिलीट सीट, यानी कि पूरा सीट को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तभी कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा प्रैक्टिकली अब समझते हैं। पहला है Alt+H,D, तो कैसे यूज़ करेंगे, हम एक एक्सेल शीट पर जहाँ पर टेबल लिखा था उसमें चलते हैं और वहाँ पर हम इसको अब अप्लाई करके देखेंगे दोस्तों। कैसे देखना है, तो मिनिमाइज़ कर लेते हैं स्क्रीन को साथ में हम, और इसका यूज़ भी करेंगे और समझेंगे भी और यूज़ भी करते रहेंगे कैसे इन कीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला है Alt+H,D, यानी टू गो टू द डिलीट सेल मेनू। कैसे एक्सेल में डिलीट सेल मेनू आएगा कि H,D ऑल्ट के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेल सीट पर आ गए और ऑल्ट अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है और H और D साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, यानी कि जल्द जैसे ही H किया वैसे ही D, तो आपको डिलीट सेल मेनू खुलेगा। तो मैंने क्या किया कि ये अपना मान लीजिए टेबल सेलेक्ट कर लिया, सपोज कीजिए पूरा टेबल ही डिलीट करना है, Alt+H,D। जैसे ही मैंने किया तो दोस्तों आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम करूँगा और फिर से करूँगा एक बार Alt+H,D, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये डिलीट सेल मेनू खुल गया शॉर्टकट की के माध्यम से। इस प्रकार से पहला जो है शॉर्टकट की एक्सेल के डिलीट का हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसी में कौन सा की है, वो है हमारा ऑल्ट के साथ H, D, D, यानी कि ये टू डिलीट सेलेक्टेड सेल, यानी जो सेल हमने सेलेक्ट किया उसको डिलीट करने के लिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया ये दो वन वाला सेल, सॉरी ये दो से ऊपर के चार जो है सेल सेलेक्ट कर लिए मैंने और इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो शॉर्टकट की क्या है मेरा, वो है Alt+H, D, D। तो मैं अब इसको अप्लाई करता हूँ Alt+H, D, D। अब ये क्या कर रहा है, तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल गया शॉर्टकट की के माध्यम से कि पूरा जो सिलेक्ट किया है उस एरिया को डिलीट करने के लिए। वो कह रहा है क्या डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट लेफ्ट सेल, सेल लेफ्ट का या सेल अप का या रो का या पूरा कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे ही सेल अप करूंगा अब जो है सेल ऊपर के चारों सेल डिलीट हो गए। अब यहाँ से बच गया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा है ऑल्ट के साथ H, D, R। अब कॉलम पूरे के पूरे रो को डिलीट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि ये बी रो है यानी 2 का टेबल लिखा है बी रो के अंदर, इसको डिलीट करना है। तो क्या करना है, Alt+H, D, R यानी कि HD सब में है, बस लास्ट में चेंज हो रहा है दोस्तों। ये ध्यान रखना है शॉर्टकट फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। तो अब कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे, तो Alt+H साइमल्टेनियसली प्रेस करना है हमें फटाफट Alt+H, R यानी कि रो को डिलीट करना है। तो मैंने क्या किया, Alt+H, R जैसे ही प्रेस किया, साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। अदर चीज़ ओपन ना हो, ये दिक्कत आपको भी आ सकती है, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा इसके अपने रिकॉर्डिंग से। तो आपको भी मतलब कि क्विकली करना है Alt+H, R। यहाँ पर मैं एक सीट रेडी करता हूँ और इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे ये जो है इफेक्ट कर रहा है रो को डिलीट करने में। जैसे मैंने यहाँ G लिखा और इसके नीचे जो है H लिख दिया। G और H लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक बीच में मैंने क्या किया है कि रो जो है रो है छोड़ दिया 9। अब ये 9 अगर शॉर्टकट की काम कर रहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। तो Alt+H, R शॉर्टकट की है हमारा क्या, Alt+H, R। जैसे ही Alt+H, R किया, लेकिन ये डिलीट क्या है रो के लिए Alt+H, D, R, सॉरी। तो Alt+H, D, R है, तो Alt+H, D, R करा मैंने, डिलीट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी डिलीट कर सकते थे टेबल। अब 3 वाला लाइन को डिलीट करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ कहीं भी सिलेक्ट कर लिया Alt+H, D, R। अब इसने क्या किया 1, 2 यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 यानी 2, 2 या 4 के बाद 6 आना चाहिए, वो वाला जो है रो के रो पूरा डिलीट हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी आपने देखा कंट्रोल जेड वापस आ गया। अगला जो शॉर्टकट की है वो हमारा क्या है दोस्तों, वो है कि कॉलम को कैसे डिलीट किया जाएगा। अब कॉलम देखते हैं दोस्तों, डिलीट करके कॉलम यानी कि पूरा कॉलम यानी कि 3 के टेबल ही गायब हो जाना चाहिए। तो कैसे होगा, तो उसका शॉर्टकट की यही है Alt+H, D, C यानी कि Alt+H, D, C। अब 3 का टेबल पूरा का पूरा डिलीट हो गया है यहाँ से। तो इस प्रकार से शॉर्टकट की का यूज़ करके आप अपने काम को और आसानी से कर सकते हैं। डिलीट करना है, डिलीट के लिए अभी एक्सेल में हम डिलीट के कुछ शॉर्टकट की सीख रहे हैं। तो जैसे कि 3 का टेबल जो है डिलीट हो चुका है और कंट्रोल जेड कर दीजिए, वापस आ जाएगा, यानी कि जिसको कि अंडू कहते हैं। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा दोस्तों कि कैसे जो है ऑल्ट के साथ हम H, D, S लगाएंगे और पूरे सीट को डिलीट करेंगे। अभी मेरे पास एक सीट पर टेबल लिखा है और दूसरे सीट पर जो है मेरा क्या लिखा है, ये G और H। तो मैं चाहता हूँ टेबल वाला सीट डिलीट हो जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट की जैसे दोस्तों क्या बताया मैंने, Alt+H, D, S। तो यहाँ पर इस सीट पर मैं हूँ, Alt+H, D, S कर दिया। अब ये यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल बी परमानेंटली डिलीट दिस सीट। अब ये हमसे पूछ भी रहा है क्योंकि हमारा फार्मूला लग चुका है, शॉर्टकट की लग चुका है। जैसे मैं डिलीट कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा सीट डिलीट हो जाएगा। और सीट डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर भी सीट अब वापस नहीं आएगी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये वाला फार्मूला भी हमारा जो, थैंक यू दोस्तों। जैसे कि आपको मैंने आज एक्सेल के कुछ डिलीट सेल्स यानी कि एक्सेल के शॉर्टकट बताए जो डिलीट के लिए यूज़ किए जाते हैं, और उसका यूज़ करके आप आसानी से एक्सेल के सीटों को या कॉलम को, रो को, किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you so much watching this video. Or please like, subscribe, share and comment also. Thank you so much.